तो हेलो दोस्तों, दोबारा स्वागत है आपका सस्ता बाजार में। आज जो हम प्रोडक्ट लेके आए ना, उन्हें हम बोलते हैं टॉवल की सॉक्स। और ये एक नंबर की सॉक्स होती है, ठीक है। टॉवल की सॉक्स का जो मेन जो रीजन होता है ना पहनने का, लोग क्या कर लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो गर्मियों में जो है ना बदबू वगैरह, जो पसीने की बदबू आती है लोगों को, वो रोकती है, साथ ही साथ पसीने को भी रोकती है, कोशिश करती है कि वो आपको दिक्कत ना हो। तो इसलिए टॉवल का जो आइटम है ना आया है मार्केट में, और दो चीजें चलती जा रही, कॉटन और एक टॉवल, ठीक है। ये बेसिकली काफी टाइम से पहले से चल रही हैं। हाँ। बट क्या होता है ना, लोगों को नहीं पता होता नहीं इस चीज के बारे में। कॉटन ज्यादा लोग मांगते हैं। हाँ। गर्मी में पहना जाता है, लेकिन सर्दियों का जो ऑप्शन है ना वो ये बेस्ट रहता है। तो ये क्वालिटी कैसे, पहले इसके बारे में बात करेंगे, कलर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कौन इसे पहन सकता है साइज के बारे में बात करेंगे। दूसरा, अगर आप इसे होलसेल में लेते हैं तो ये कितने की पड़ेगी, साथ ही साथ रिटेल में हम इसे कितने की बेच रहे हैं और लोग इसे कितने की बेच रहे हैं, आप कितने की बेच सकते हो, एमआरपी की बात भी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे जो कि नॉर्मल सॉक्स होते हैं शॉर्ट में, इनसे ये कैसे बेटर है कैसे नहीं, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस कंपनी का नाम है NYX, ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया ब्रांड लगा, मैं पूरे साल बेचता हूँ इसको, ठीक है। नहीं सिर्फ सर्दियों का आइटम नहीं है ये, सर्दी गर्मी दोनों, मतलब पूरे 12 महीने ही बिकती है। गर्मी में थोड़ा सा सेल कम है इसकी, लेकिन फिर भी वो लोग जरूर लेते हैं। हाँ। इनको दिक्कत है, इनको पैरों में दिक्कत है, मतलब पसीने की या होगी, वो इसे जरूर पहनते हैं। कॉटन का जो कपड़ा है वो कोई पहन सकता है, बट इनको वही लोग पहनते हैं गर्मियों में। सर्दियों में तो भाई साहब इसकी आप सोचिए मतलब कि कितना दिखता है आइटम, ठीक है। तो चलो अब इसको खोल के दिखाते हैं आपको एक पीस। तो सबसे पहले आते हैं ब्लैक, इसकी आप पहले पैकेजिंग देखिए कितनी अच्छी पैकेजिंग की हुई है इसकी, ठीक है। तो दूर से देख के लग रहा है वही ब्रांड बनने वाला है, ठीक है। अभी देखो यहाँ लिखा है स्पोर्ट्स, और कॉम्बिनेशन देखो ब्लैक एंड व्हाइट का और ग्रे का कॉम्बिनेशन है इसमें मस्त, यहाँ से देखोगे, ठीक है। लेंथ वाइज भी ये जो है ना, साइज वाइज भी ये 9 नंबर से 11 नंबर, मतलब ये 11 नंबर तक चली जाती है सॉक्स पहनने में। इसका जो ये लेंथ है ना ये बहुत अच्छा है, हमारी शॉप पे ना सबसे ज्यादा यही वाली सॉक्स सबसे ज्यादा बिकती है, जब से ये आई है हमारी सेल्स बढ़ गई है, ठीक है। दूसरा मतलब सबसे पहले तो ये कि 9 नंबर तक 11 नंबर तक चली जाती है ये, अगर किसी पहन बहुत बड़ा भी है ना तब भी इसे पहन सकता है। दूसरा क्या है कि अगर आप इसके अंदर से क्वालिटी देखोगे, ये देखो ये टॉवल का पीस पूरा देख रहे हो, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मिलता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कलर्स के बारे में। तो कलर आते हैं ना ब्लैक वन, और एक ये लाइट ग्रे आता है इसमें, ये देखो लाइट ग्रे आता है, और एक आता है डार्क ग्रे, ये आता है डार्क ग्रे, ठीक है। तो आप अगर इस ब्रांड को लोगे तो आपको कलर ये तीन ही मिलेंगे हमेशा, ठीक है। अगर कॉटन भी लोगे या फिर अगर टॉवल भी लोगे तब भी यही कलर मिलेंगे आपको, ब्लैक, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन वाइज भी बढ़िया है, अगर कोई भी तीन चीजें लेता है तो तीन अलग अलग कलर मिल रहे हैं और तीन अलग कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बराबर में जो दूसरी आइटम बिकती है W, इसे हम बोलते हैं W, ये हल्का आइटम होता है, हल्की रेंज में मिलता है, ठीक है, होलसेल इसका बता देंगे। इसकी क्वालिटी अगर आप देखोगे तो इसका साइज आप देख लो, ठीक है, इसके पैर का साइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर, ठीक है, ये एक तो लेंथ में आपको कम मिलेगा, दूसरा क्या है कि इसकी जो क्वालिटी इनबिल्ट क्वालिटी जो है वो इतनी बढ़िया नहीं होती, सिर्फ फिनिशिंग वगैरह कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपको, लेकिन फिर भी मार्केट में ये भी बिकता है, ऐसी बात नहीं है, खरीदने वाले इसे भी है, खरीदने वाले इसे भी है, क्योंकि क्या है ना हम लोकल क्वालिटी का भी रखते ही नहीं है, दोनों ही क्या कहते हैं बस थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है इनके अंदर। तो अब अगर बात करें कि प्राइसिंग की, ठीक है, पहनने वाले की बात करें तो पहनने वाले में तो कोई भी पहन सकता है, 7 नंबर से लेके 11 नंबर तक कोई पहन सकता है, एज आपकी 14-15 भी है, क्योंकि फ्री साइज होता है इसे, नॉर्मल बच्चे से लेके 14 साल के 20-50 साल के लोग भी पहन सकते हैं, जिनके पैर इनमें आ सकते हैं आराम से। क्वालिटी वाइज बहुत नंबर बढ़िया है और साइज वाइज भी बहुत, हमारा जो प्रोडक्ट है ना कोई भी कस्टमर लेके जाता है तो वो ये नहीं कहता कि आपका प्रोडक्ट बेकार निकला है, सब दोबारा खरीदने आते हैं। तो प्रोडक्ट काफी अच्छा है सभी प्रोडक्ट, मतलब ये दोनों सॉक्स जो है वो अपने अपने किस पर है, मीडियम क्वालिटी में, मतलब ये अपनी रेंज में सही है और वो अपनी रेंज में सही है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो अगर आप होलसेल में इसको लेने जाओगे तो ये आपको 3-4 प्राइस में मिलता है, 125 के 12 सेट मिलते हैं आपको, 130 के 12 सेट मिलते हैं, ठीक है, और उसमें जो आपको ऊपर अगर चार्ज जोड़ोगे तो वो जो भी है आप लगा सकते हो, तो 125 130 140 तक में ये जो है 12 सेट आपको मिल जाते हैं। 12 सेट का ये पूरा पैकेट आता है ऐसे, ये पूरा पैकेट देखिए 12 सेट का पैकेट आपका, ठीक है, इसमें तीन सेट हमने निकाल लेंगे, तो ये पूरा पैकेट इसमें मल्टी कलर मिलते हैं या मतलब अलग अलग कलर, मतलब मल्टी कलर मिलते हैं या सेम कलर मिलते हैं इसके अंदर? 12 में लगभग सेम कलर होंगे लेकिन कलर लगभग ऐसे होते हैं, ठीक है, ये तीन का सेट इसका ही बना होता है, मतलब ये ब्लू हो गया, ग्रे हो गया, यही कलर, साथ में ब्लैक भी आ जाता है कभी कभी इसमें। हाँ। तो इसमें थोड़े बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं फिर भी, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं मिलते, ये एक ही कलर के आते हैं जो भी आते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो जब होलसेल में आप इसे गर्मियों में लेते हो ना तो ये सस्ता पड़ता है, और सर्दियों में भाई साहब इसका रेट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता लेकिन फिर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो गर्मियों में ये पड़ता है एक पैकेट, आपको पैकेट कम से कम एक तो नहीं चाहिए होगा, कम से कम होलसेल में आप लोगे तो भाई 10 पैकेट 12 पैकेट लेने पड़ेंगे, लेने ही होते हैं। ठीक है, इससे कम कौन लेता है। तो जब भी आप लोगे तो ये आपको 50 से 55 के बीच में मिलेगा गर्मियों में। ठीक है, इसका प्राइस ऊपर नीचे होता था, गर्मियों में 50 से 55 के बीच में एक पैकेट का रेट है 50 से 55 रुपए, और जब सर्दियों में आप जाओगे तो ये 55 से 60 के बीच में मिल जाएगा, 65 भी जा सकता है। ठीक है, तो 55 से 60 के बीच तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम तो आपको नहीं मिलने वाला ये NYX का जो टॉवल पीस है आपको। ठीक है, सर्दियों के अंदर। और अगर आप बात करें इसे होलसेल में, आप जला सकते हो जितने पैकेट लेने आप ले सकते हो। इसका जो पूरा कार्टून आता है वो 60 पैकेटों का आता है। ठीक है, इसका भी और कॉटन वाले का भी, तो आप उसको भी ले सकते हो, अगर 1-2 रुपए कम करना चाहेंगे तो दुकानदार आपको कर देंगे। ठीक है, तो इसकी अगर MRP आप देखोगे तो यहाँ MRP है 299, जिसे काट के 60 रुपए बचाए गए आपके, और 239 रुपए की MRP पे इसको आप बेच सकते हो दुकानों में, रिटेल में। मतलब कि अगर आप इसका एक पैकेट ला रहे हो, आपको सिर्फ पड़ता है 60 रुपए का। ठीक है, जो आपका खर्चा है 10-15 रुपए का अलग से, वो आप जोड़ सकते हो उसमें, तो 70-75 रुपए का आपको पड़ जाता है ये टोटल लाने में। आप इसको बेच सकते हो दुकान में 239 रुपए के MRP पे, क्योंकि ब्रांड अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो लोग देने को देना पसंद भी करेंगे, नहीं तो मिनिमम आप इसे 150-200 में तो लोग बेच भी रहे हैं रिटेल शॉप पे। ठीक है, हमने खुद देखा, और हमारे प्राइस सुन के तो आप हक्का बक्का ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये लोग बेच रहे हैं क्योंकि MRP दिखा के वो लोग 10-20 रुपए और भी कम कर देते हैं, तो लोग देना पसंद करते हैं कि आप ये पैसा कम देना पड़ रहा है हम लोग को। तो हम जो इसे बेचते हैं ना पूरे साल एक ही रेट बेचते हैं, चाहे महंगा मिले चाहे सस्ता, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में, समझ रहे हो। तो सिर्फ 20 और 25 रुपए हमें एक आइटम पे मिलता है, एक पैकेट पे मिलता है, और हम इसे पूरे साल इसी रेंज में बेचते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमसे चाहिए तो आप इन बढ़िया से बढ़िया सॉक्स को सिर्फ 100 रुपए में ले सकते हो एक पैकेट को। दूसरा, अगर आप होलसेल में ले जा रहे हो तो 50 से 60 रुपए के बीच में आपको ये मिलेगा, डाउन ऊपर नीचे हो सकता है रेट इसका होलसेल में। और अगर आप रिटेल में अपने यहाँ से खरीद रहे हो तो आप अनुमान लगा सकते हो MRP कितना है, उस MRP के हिसाब से आपको वो दुकानदार देगा। ठीक है, तो हमने आपको तीनों चीज बता दी है, आपको जो बेस्ट लगे आप कर सकते हैं। हाँ, होलसेल में लेके इसको आपको बेचना है ऑनलाइन तो मीशो पे और अमेजन पे कितने का है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, कंपेयर कर लेना। दूसरा, अगर हमसे कॉन्टेक्ट करना है, हमसे सामान चाहिए, तो हमें ईमेल कर देना, कॉमेंट कर देना, डायरेक्ट मैसेज कर देना। ठीक है, तीसरा, अब अगर ये वीडियो और ये जुराब आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में बताइएगा अगर कोई भी क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट जो कोई भी क्वेरी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। उसे अगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना तो हमें प्लीज बता देना, हम उसे रिव्यू भी कर देंगे आपके लिए। तो चलो, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।